हेलो फ्रेंड्स, आई एम सौरभ। वेलकम टू टॉप 10 क्लासेज। और आज हम लोग क्लास 12th के मैथ का जो हमारा ये एनसीईआरटी है उसके सिलेबस का ओवरव्यू को जानेंगे। तो आइए हम लोग अपने सिलेबस जो हमारा क्लास 12th के मैथ का सिलेबस है उसको हमें किस तरह से पढ़ना है, उसको कौन पढ़ाएगा और इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे सामने है क्लास 12th के मैथ का एनसीईआरटी का सिलेबस जो आपको मैं टॉपिक टू टॉपिक कवर कराऊंगा, जैसा आपके सामने यहाँ पर है क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी। तो बता दूँ हम आपको, मैथ का जो हमारा एनसीईआरटी है उसका संपूर्ण निचोड़ आपको इस वीडियो में, प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे सारे वीडियो का प्रॉफिट ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमारा सबसे पहला चैप्टर आता है संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन ये हमारा हो जाएगा रिलेशन एंड फंक्शन। इसके अंतर्गत हम इसके परिचय को पढ़ेंगे, इसके प्रकार पढ़ेंगे। और हमारा दूसरा चैप्टर आता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इससे पहले आप लोग क्लास 11th में त्रिकोणमिति फलन के बारे में आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ लिए होंगे। जो आप लोग वहाँ पर अच्छे से पढ़े होंगे वो हमारा काफ़ी काम आएगा आपको इंटर के सिलेबस के त्रिकोणमिति फलन के बारे में अध्ययन करने में। और तीसरा चैप्टर हमारा है आव्यूह, हम यहाँ पर आव्यूह पढ़ेंगे, आव्यूह के प्रकार पढ़ेंगे, आव्यूह कितने प्रकार का होता है उसके परिचय के बारे में जानेंगे। तीसरा चौथा चैप्टर हमारा है सारणी, हम सारणिक पढ़ेंगे, सारणी के गुणधर्म पढ़ेंगे, उसका परिचय पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारा पांचवा आता है, यहीं से हमारे क्लास 12th और यहीं से हमारे क्लास 12th की कैलकुलस स्टार्ट होती है। कैलकुलस हमारे यहीं से क्लास 12th की स्टार्ट होती है और हमें 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे टोटल 5 चैप्टर जो है कैलकुलस के हैं, कैलकुलस के हैं। यही चैप्टर आपके क्लास बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हमारे सांतत्य तथा अवकलनीयता है, अवकलज के अनुप्रयोग हैं, समाकलन है, समाकलनों के अनुप्रयोग हैं। इसके बाद हमारा अवकल समीकरण है। ये 4 चैप्टर हमारे क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इनका एक भी वीडियो मिस ना कीजिएगा। फिर इसके आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 10th नंबर का, जो कि हमारा सदिश बीजगणित है। और 11th चैप्टर का नाम हमारा है त्रिविमित ज्यामिति है। यहाँ पर हम 2D डायमेंशन के बारे में अध्ययन करेंगे, इसका परिचय जानेंगे। 3D डायमेंशन क्या होता है इसका परिचय जानेंगे और इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और हमारा 12 नंबर है रैखिक प्रोग्रामन, इसके बारे में हम लोग इसका परिचय जानेंगे और इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हमारा 13 चैप्टर का नाम है प्रायिकता पैरेबल्टी, पैरेबल्टी आप लोग क्लास 9th, 10th, 11th, 12th आज में आप लोगों ने अच्छे ढंग से अगर अध्ययन किया होगा तो आपको काफ़ी अच्छी समझ यहाँ पर आएगी। और आप देख सकते हैं इस प्रकार हमारे जो क्लास 12th के 13 चैप्टर हैं इसे हमें किस प्रकार पढ़ना है, हमारी रणनीति क्या होगी, हमें कैसे अपने 1 ईयर्स के अंतर्गत इन सबको अध्ययन करना है, तो हमें आपको अगले वीडियो में संबंध एवं फलन के बारे में स्टार्ट करूंगा। और ये आज का हमारा वीडियो एनसीईआरटी का जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में हम आप लोगों को बता दिए हैं। और अगली क्लास में हम लोग रिलेशन एवं फंक्शन उसका परिचय पढ़ेंगे और उसमें कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्त, तो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।